ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते, करते रहे तो मुंह बनाते हुए हमें लाइक पढ़ाते देखकर है ना यस तो चलो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है यहां पे हमारे और यहाँ पे आवाज आती है माइक वेरी सेंसिटिव ठीक है हाँ नीट ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है इसे जरूर ज्वाइन करें सारे अपडेट्स के लिए जो भी नीट से रिलेटेड है और अगर सिंसेयर पढ़ाई करनी है लॉन्ग टर्म पढ़ाई करनी है तो देन यू हैव हाँ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टीचिंग यूर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बेटा पढ़ाई तो यानी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लॉन्ग टर्म के लिए ले अपने जूनियर्स को बताए जिससे कि वो शुरू से ही बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ सके जहां पे शशि प्रकाश सर है वी हैव हाँ प्रदीप चटोरा सर वी हैव हाँ मोहित अमित गुप्ता सर वह हाँ शुभ करण सर सारे टॉप टीचर्स हैं जिनके बैचेस अभी शुरू हुए हैं और अभी पर्सनल मेंटरशिप यानी हमारी गाइडेंस में अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए तभी नीट के लिए आप एक धनिंदर बन जाएंगे ठीक है तो नीट के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक लिंक पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सब्सक्रिप्शन का जी नीट रेफरल कोड लगाना है जिससे आपको से 10 मिल जाए। और महीने के साथ थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिल जाएगा तो 12 एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले और जिन बच्चों को मान का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो भी सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है बच्चों Combat का पेपर एवरी संडे संडे होता है बट दिस यू हैव योर पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो इसमें जरूर एनरोल करें टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो मैम की टेस्ट सीरीज चलते हैं जहां पे सोलह हजार बच्चे हैं विद इन थ्री वीक्स ऑफ टाइम यस तो यहाँ पे जीएनईट &E रेफरल कोड यूज करके आप

तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोडिजी, प्रोडिजी टेस्ट है जहां पे देख सकते हैं इसमें एनरोल करने कर सकते हैं, नाइट राइडर्स रातों में नहीं बेटा नाइट माने ना, बहादुर वीर यस नाइट माने बहादुर और वीर होता है ठीक है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और आपको ये सब चीजें भी मिल सकते हैं बच्चों जरूर इसको ज्वाइन करें एंड आ, आगे क्यों नहीं हो रहा भाई यस yes, ये देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने देख लो बच्चों अपने अपने देख लो फटाफट से 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 कौन 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 टेस्ट में में तुम तुम पे आ रहे रहे हो हो सी क्लास है बैच दे रहे? किस साल आप नीट देने वाले हो लिखने वाले हो नीट का एग्जाम उसके हिसाब से अपना टाइमिंग सेट करके एग्जाम जरूर देना ठीक है ये लिंक आपको मिल जाएगा चार्ट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे चार मिनट हो गया बेटा अब जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है ठीक है यस चलिए आइए

ओ गर्मी हाय गर्मी तो ऐसे गाने सुनते सुनते तो ना तेज सुनने की आदत हो गई है मैं भी अपने लेक्चर बिल्कुल जबरदस्त बढ़िया से आवाज आती रहती है अलग अलग ही ही तुम्हारी नखरे होते जा रहे हैं आजकल चलिए अब पढ़ाई शुरू करेंगे बस हो गया तुम्हारा ठीक है तो आज की पढ़ाई हम शुरू करें एक्सक्रीटरी चैप्टर से एक्सक्रीशन वाला चैप्टर ये चैप्टर कीमती क्यों है कोई मुझे जवाब दे सकता है चैप्टर में चैट बॉक्स में कि ये चैप्टर इतना कीमती क्यों है चैप्टर इसलिए कीमती है क्योंकि बच्चों क्योंकि बच्चों चैप्टर से लास्ट ईयर तीन सवाल आए थे क्यों कीमती है बताइए चैट बॉक्स में क्योंकि लास्ट ईयर नीट वालों ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला इस चैप्टर की लास्ट ईयर से पहले कोई भी वैल्यू नहीं थी सिर्फ एक क्वेश्चन आता था पर लास्ट ईयर नीट ने हमें कहा कि नहीं जिसकी वैल्यू नहीं होती वो भी जरूरी है एक्सपेंसिव चैप्टर बड़ा अच्छा नाम लिखा बच्चों ने एक्सपेंसिव चैप्टर है तो आज एक्सपेंसिव चैप्टर करेंगे सब animals accumulate ammonia, urea, uric acid, CO2, water, ions like like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, either by by metabolic activities or by means like excess ingestion. जब आप खाना खाते हैं तो ऊर्जा आपको मिलते कचरा भी, भी मिलता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड बहुत सारे नामों से जानते हैं ठीक है में गंदगी तो तुम अपने आगे के टॉप तो एजुकेटर से पढ़ लो यहाँ पे अगर शोएब अख्तर आ गया तुम्हें पढ़ा भी दे तुम तब भी क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अपने तुमने दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि हमसे नीट नहीं हो पाएगा जब भी नीट एक बहुत ही सिंपल एग्जाम है

अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तो बेसिकली तीन तरह के मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें एक अमोनिया आता है यूरिया आता है और यूरिक एसिड आता है ठीक है मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड बाई द एनिमल्स तो तीन तरह के मेजोरिटी वाले क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक अब इसके हम जरा पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे फटाफट से टेबल बनाएंगे मैम गलत दिया एग्जांपल अच्छा नाम गलत हो गया वो कोई नहीं बेटा कोई नहीं नाम में क्या रखा है फीलिंग्स में रखा है ना बच्चों यस चलिए आइए तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ को समझने के लिए हम अपनी एन में कुछ ऐसे लिखेंगे अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनो वो होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट मेजरली अमोनिया होता है ठीक है तो यहाँ पे जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों अमोनिया होता है और जो अमोनिया होता अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ठीक है एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि जब ये बाहर जा रहा है अपने शरीर से तो ये बहुत सारा पानी खींच के लेके जाएगा सो इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है इसके एलिमिनेशन के टाइम पे तो यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ठीक है फॉर इट्स एलिमिनेशन वेर एस अभी वेर एस से पहले इसके एग्जाम्पल्स भी तो करने हैं बेटा क्या जब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है तो क्या इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में तो सिंस बेटा ये मोस्ट टॉक्सिक है बॉडी ने इसमें कोई मेहनत नहीं की इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए तो सबसे कम एनर्जी लगती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया सो लीस्ट एनर्जी स्पेंड Least energy spend, सबसे कम एनर्जी हम पे खर्च कर रहे हैं एग्जाम्पल की बात करें तो यानी ऐसे animals जो पानी में रहते हैं, फटा फटाफट से आंसर बता दो बॉक्स में इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं aquatic animals में। फिश दोनों में से कौन सेगजाम्पल लिखो जल्दी बताइए कौन से एग्जाम्पल लिखो विच एक्साम्पल

ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक एनिमल्स यानी कि इनका मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड क्या होता है मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है तो यानी कि ये हमारे शरीर के लिए सबसे कम हानिकारक होता है तो यानी कि इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बॉडी ने क्या खर्च की है एटीपी तो यानी ये सबसे महंगा प्रोसेस है ठीक है मैक्सिमम एनर्जी स्पेंड सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च हम कर रहे हैं ठीक है एंड कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर तो यानी लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है मिनिमम इसे बाहर निकलने के लिए सबसे कम वाटर चाहिए होता है मिनिमम वाटर लॉस मिनिमम वाटर लॉस चाहिए होता है ठीक है मिनिमम वाटर लॉस मुझे याद आया जब हम पेड़ के नीचे बैठे थे मान लीजिए कि हमारी uh, मेघा हमारी मेघा पेड़ के नीचे बैठ के पड़ रही है तभी ऊपर से एक प्रसाद आता है ठीक है जैसे ही वो गिरता है तो वो कहते हैं कि ये तो यूरिक एसिड है जो किसने बनाया है बर्ड्स ने बनाया है क्योंकि वो एक पेस्ट लाइक होता है ठीक है वो बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता वो एक पेस्ट फॉर्म की फॉर्म में आता है, है ना भाई सही बात है तो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एंड नीट एग्जाम्पल क्योंकि हर साल ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है तो आइए यहाँ पे देखते एग्जाम्पल क्या है बर्ड्स क्योंकि मेघा कहां बैठी थी पेड़ के नीचे ठीक है देन वी हैव रेप्टाइल्स यानी छिपोरानी ठीक है एंड वी हैव इंसेक्ट इंसेक्ट में आपके आ जाएंगे टिड्डी कॉकरोच ठीक है तो ये तीन मेजर एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक के अब आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारा है यूरियोटेलिज्म जिसके बारे में हमें नहीं दिया एनसीआरटी ने बट हम लिखेंगे यूरियोलिक यूरियोलिक मतलब यहाँ पे चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिया कौन सा होगा चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होगा दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको पानी कितना चाहिए मीडियम पानी चाहिए और मीडियम एनर्जी चाहिए ठीक है मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट मीडियम वाटर मीडियम टॉक्सिसिटी एंड मीडियम रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी यानी हर चीज इन दोनों के बीच के लेवल की यूज हो रही है एग्जाम्पल की बात करें रेखा तो इसका एग्जाम्पल है हम हम मानी मैमल्स ठीक है तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मैमल्स और मेंढक यानी फ्रॉग यानी फ्रॉग तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं

एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो आखिर हमने पानी क्यों बचाना शुरू किया क्योंकि हम धरती पे आ गए थे देखो जब हम समुद्र में थे तो खूब सारा पानी था धरती पे आए तो पानी की कमी हो गई तो जैसे जैसे पानी की कमी होती गई, वैसे-वैसे यूरिन में पानी का कम होता चला गया ठीक है तो बेसिकली कम पानी यूरिन में आना आनाल्टेशन ठीक है

अगर हम देखें यूरिया किससे बन रहा है अमोनिया से ही यूरिया बनता है इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इन टू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज इस लाइन को समझने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा तो क्या आप तैयार है फ्लो चार्ट बनाने के लिए जल्दी से बताइए बॉक्स में जल्दी से बताओ चार्ट बॉक्स में हम एक फटाफट से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे वी आर गोइंग टू मेक दिस फ्लो चार्ट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है थीके? चलो यह है लिवर क्या है बच्चों ये लिवर लिवर में हिपाटोसाइट्स होते हैं हिपाटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ लिवर तो यहां पे हम लिख देते हैं हिपाटोसाइट्स हिपाटोसाइट्स में एक साइकिल एक चक्र चल रहा है उस चक्र का नाम है यूरिया साइकिल इसी यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं इसी ऑर्निथिन साइकिल को हम क्रेब हेंसलेट साइकिल कहते हैं क्रेब हेंसलेट साइकिल अमोनिया से एक अमोनिया से एक यूरिया बनाने तक तीन एटीपी का खर्चा होता है कितने एटीपी का खर्चा होता है तीन एटीपी का खर्चा होता है जब ये यूरिया बनता है तो ये यूरिया जाता है आपकी हिपैटिक वेन में किस में जाएगा ये यूरिया हिपैटिक वेन में यानी कि जो ब्लड है ब्लड में खूब सारा भरा हुआ है आपका यूरिया ठीक है अब यूरिया में अगर यहां पे बात करें तो यहां पे मैक्सिमम यूरिया प्रेजेंट है और यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैक्सिमम यूरिया यहां पे प्रेजेंट है अब हिपेटिक वेन से ब्लड कहां जाता है इंफीरियर वेना कावा कहां पे जाते इंफीरियर वेना कावा तो यहां पे गया ठीक है जी इन्फीरियर वेना कावा में भी चला गया अब यहां से कहां जाता है ऑफ हार्ट के पास जाता है हार्ट में कहां जाता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हार्ट के पास चला गया राइट right वेंट्रिकल से कहां जाएगा लंग्स पे जाएगा लंग्स से कहां जाएगा वापस हार्ट के पास जाएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड एओर्टा एओटा से अब ये जाएगा रीनल आर्टरी कहा जाएगा बच्चों रीनल आर्टरी अब ये रीनल आर्टरी कौन सी है रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो किडनी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और खूब सारा आपका यूरिया लेके जाती है अब ये जो ब्लड है कहाँ जाने वाला है बच्चों राइट इन द चैट बॉक्स ये जाएगा किडनी के पास कहा जाएगा किडनी अब किडनी में जितना भी यूरिया था

अगर मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन में है तो मिनिमम यूरिया कहां पे है बताओ जल्दी से बॉक्स में कम ऑन बच्चों। तो मिनिमम कहां पे है? जल्दी बताओ बताओ अगर मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन में है तो मिनिमम यूरिया आपका रीनल वेन में वेरी गुड साक्षी बहुत ही बढ़िया तो यहां पे मिनिमम यूरिया वुड बी योर आंसर तो अगर यहां से क्वेश्चन नाउ व्हाट आर द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्ड् इन नीट एग्जाम पहला क्वेश्चन जो तो पूछा जा सकता है फर्स्ट यूरिया साइकिल कहां पे होती है रैपिड फायर खेल रहे हैं हम क्या खेल रहे हैं सर हम रैपिड फायर खेल रहे हैं मैम क्वेश्चन फेंकेगी आपको आंसर फेंकना फटाफट से तो पहला क्वेश्चन यूरिया साइकिल कहां पे होती है यूरिया साइकिल यूरिया साइकिल हमेशा होती है लिवर में ठीक है एंड द प्रोडक्ट्स

एंड प्रोडक्ट्स जो है आपके सीओ अमोनिया से आपने यूरिया बना दिया आपको ये पता होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तब आपका आंसर सीओ एंड अमोनिया जाएगा तब आपका आंसर अमोनिया जाएगा याद रखना ठीक है तीन एटीपी का खर्चा हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम यूरिया कहा मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका आंसर क्या होगा हिपैटिक वेन क्या होगा आपका आंसर हिपैटिक वेन हिपैटिक वेन वहीं पे छठा क्वेश्चन क्या हो सकता है मिनिमम यूरिया कहाँ होता है रीनल वेन रीनल वे अगर आपका फ्लो चार्ट लिखने का मन नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं योर आंसर विल बी देर ठीक है चलिए अब मैं इसको हटा रही हूं बेटा अब आते हैं यहां पे

स्पीड रोक देते हैं यार स्पीड रुक जाती है बिल्कुल ही मजा सा नहीं आता है बच्चों यस एंड सेकंड इज एक्सक्रीशन सेकंड इज एक्सक्रीशन ये दोनों इसके फंक्शन है ठीक है नो रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ऐड किया एनसीआरटी ने डू माइंड दिस एक और एग्जाम्पल एड किया दैट इज लैंड स्नेल्स ठीक है यहाँ पे एड लिख देते हैं

ंगडम प्रेजेंट अक्टरी और देर कैन बी सिंपल ऑल्सोर चलिए बेटा एवरी वन अफ एनिमल किंगडम तो यहाँ पे मैम पूछेगी और आपको फटाफट से आंसर देना है ठीक है चलिए आइए फर्स्ट हम यहाँ पे शुरू कर रहे स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा अगर स्पॉन्जेस की बात करें if we talk about the sponges, तो sponges में क्या होता है? Surface diffusion होता है? है, है? पे ठीक यानी कोई specialized cells नहीं है तो जनरल बॉडी सरफेस जीबीएस का मतलब होता है जनरल बॉडी सरफेस सेकंड आता है हमारा cylindrata, cylindrata, और थर्ड हमारे आते हैं सॉरी टीनोफोरा टीनोफोरा तो सिलेंट और टीनोफोरा की बात करें तो इसके पास भी कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका आंसर भी क्या होगा जनरल बॉडी सरफेस यानी जी बी एस फोर्थ की बात करें फिर टॉक अबाउट द फोर्थ वन तब आते हैं हम किसके पास अपने प्लाटी हेलमिंथिस प्लाटी हेलमिंथिस मतलब फ्लैट वर्म्स इनके पास होते हैं क्या यहां पे देखिए प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स और इसी का तीसरा नाम है सोलेनोसाइट तीसरा नाम क्या है सोलेनोसाइट्स ठीक है आज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लाटी हेल्मिन्थेस ये हमने लिखा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लाटी हेल्मिन्थेस में ठीक है अब आते हैं नेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ कौन सा आता है प्लाटी के बाद चलिए जल्दी से बताइए एस्किलमिन्थेस फिफ्थ कौन सा है बेटा आस्कल मिंथिस तो अगर हम आस्कल मिंथिस की बात करें तो इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेनेट सेल्स क्या नाम है बेटा उसका रेनेट सेल्स तो इसको भी लिख लीजिए रेनेट सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ठीक है इसके बाद आते हम एनालिडा एनालिडा माने अर्थवर्म अर्थवर्म माने केचुआ केचुआ के पास होते हैं नेफ्रीडियाज क्या होते हैं उनके पास नेफ्रीडिया और ये नेफ्रीडिया तीन तरह के होते कितने तरह के होते हैं नेफ्रीडिया तीन तरीके के होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये वाली लाइन कर रहे हैं इस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन ठीक है तो नेफ्रीडिया कितने टाइप के होते हैं बेटे तीन तरीके के होते हैं ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे पहला नेफ्रीडिया इज सेप्टल नेफ्रीडिया जो उसके सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं फिर जो फारिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसे फारेंजल नेफ्रीडिया और तीसरा जो उसकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते नेफ्रीडिया उसे क्या बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्रीफ्रीडिया इंटेगुमेंट्री ने ठीक है अब पढ़ते इसको सम एनलिट्स एंड ऑडिट्स लाइक एम्फी प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि ये जितने भी फ्लेम सेल्स हम कर रहे हैं जितने भी नेफ्रीडिया कर रहे हैं इनका काम एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है ठीक है दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रीडिया द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिट्स नेफ्रीडिया फंक्शन देखते हैं नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट तो हटाए रहे एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड मेंटेनेंस ऑफ लुविड एंड आयनिक बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू आर्थ्रोपोडा में हमें तीन चीजें पढ़नी है चलिए बनाइए फटाफट से फ्लो चार्ट बनाइए दिस अ बेस्ट वे टू स्टडी एनिमल किंगडम अलोंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है तो अगर हम आर्थ्रोपोडा में बात करें सबसे पहले इंसेक्ट इंसेक्ट फिर हम बात करेंगे फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, ठीक है यस yes, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस तो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें वी टॉक उनके पास होते हैं हंड्रेड से वन फिफ्टी येलो कलर्ड प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन मिड गार्ड

आजकल तुम पेजेस लेके बैठा करो नोटबुक के वो सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए आजकल ठीक है अब आते नाइन्थ में साफ और कड़े शब्दों में एनसीआरटी लिखते है ठीक है थीके? कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द अब टेंथ पे आते हैं टेंथ में हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स एंड नॉन इज हेमिकॉर्डेट्स का एग्जांपल है बलानोग्लॉसस और हेमिकॉर्डेट्स में जो पहला वाला हिस्सा होता है यानी प्रबोसिस देखो बच्चे पहले से ही आंसर फेंक रहे हैं अभियांक आई एम सो प्राउड ऑफ यू अभियांक तो आंसर क्या है प्रबोसिस ग्लैंड प्रबोसिस ग्लैंड नाउ इलेवेंथ पे चलते हैं

हम करेंगे किसके बारे में बात हम करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में तो साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल यानी जिनका मुंह क्या होता है सर्कुलर सकिंग माउथ सर्कुलर सकिंगउस्ट

राम माने देखो अब राम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेम्बर है पता है राम इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक क्यों है मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ना यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं इसलिए राम बिकम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ठीक है चलो राम मैमल्स सबसे पहले तो राम को समझो राम कौन है राम है रेप्टाइल एव्स मैमल्स ठीक है और अगर हम इसकी बात करें राम की तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इनके पास कौन सी किडनी है मतलब क्या है का मतलब है कि जब इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है तो इनके पास एक एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्रेन होती है जिसका नाम है एमनियॉन क्या नाम है उसका एमनियॉन बेटा ये आपने लिखा पूरा हो गया खल्लास अब चलो इसको पढ़ लेते देखते कि हमने क्या किया और एनसीआर क्या बताना चाह रही है चलो एनसीआरटी की भावनाएं समझते लिख रहे हैं आप कोई नहीं मैजिन ट्रिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट सही बात है यही हमने लिखा है लाइक कॉक्रोचेस मैलफीजन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन बिल्कुल सही बात है वेस्ट भी अटैक और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा एंटेनल ग्लैंड्स एंटेनर ही नहीं है एंटेनल है थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है बेटा ठीक है एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन क्रस्टेशियंस कौन होते aquatic arthropods अब इसको मैं तुम्हें पहचान बताती हूँ कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे aquatic arthropods पता है कौन से होते हैं जो पानी में रहते हैं प्लस बेटा और मैंने आपको ब्लेसिंग्स दिए बेटा वहां पे भी दिए हैं instagram पे ठीक है अब अब आप पढ़ लेते हैं ठीक है पढ़ाना इज अ प्योर ब्लेसिंग अब आप यहाँ पे देखिए जरा आप इसे पहचानेंगे कैसे पानी में जो आपको कुरकुरे टाइप्स के एनिमल्स मिलेंगे

सिस्टम इन ह्यूम्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीटर क्या बात है शानदार लाइन लिखी है एनसीआर ने में क्या क्या है एनसीआरटी हमको बहुत ही कड़े शब्दों में बता दी है इसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है ये बिल्कुल अब नेक्स्ट में आते हैं किडनी ब्राउन जो किडनी होती है हो, वो बिल्कुल राजमा की तरह दिखती है कैसे दिखती है बेटा बिल्कुल राजमा की तरह दिखती है ठीक है अब यहाँ पे किडनी रेडिश बाउ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वोटिब्री दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो किडनी है वो कहां कहां प्रेजेंट होते लास्ट थोरासिक लास्ट थोरासिक का मतलब है टी ट्वेल्व क्या मतलब है बेटा इसका टी ट्वेल्व और थर्ड लंबर वोटिब्री के बीच में होती है यानी एल

इट्स वेरी इंपोर्टेंट बेटा लॉकडाउन में भी हम पढ़ रहे हैं वी आर ब्लेस्ड पीपल तो प्लीज टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द लेक्चर और पूरा सुन के जाइएगा क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर नीट एग्जाम ठीक है चलिए आइए इनफीरियर केवा दिस कैरीज दिसनेटेड ब्लड यहां पे लिख लो पेल्विस के बारे में एनसीआरटी ने क्या लिखा है ये ब्रॉड फनल शेप्ड होता है कॉलरस रीनल पेल्विस यही लिखा है तो लिखी है ना यहाँ पे आप वेट किस चीज का कर रहे हैं तो पेल्विस के बारे में इट्स ब्रॉड ब्रॉड फनल फनल शेप्ड शेप्ड और इसका एपिथीलियम कौन सा होता है बच्चों व्हाट काइंड ऑफ एपिथीलियम डज इट हैव इसके पास जो एपिथीलियम है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम कौन सा बेटा एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम कौन सा है ट्रांजिशनल एपिथीलियम ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल एपिथिलियम लिखना ठीक है अब आते मेड्यूला इसका इनर पार्ट है मेडुला डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस इनर पार्ट ऑफ किडनी होता है इनर पार्ट ऑफ किडनी है क्या आउटर पार्ट इसका आउटर है, डौसल योटा। डौसल योटा कैसा ब्लड लाएगी बच्चों इट विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी यूरेटर यूरेटर में क्या क्या कैरी होता है सिर्फ और सिर्फ यूरिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा ओनली यूरिन और इसका एपीथिलियम भी कौन सा होता है यस yes, इसका एपीथिलियम भी कौन सा होता है अगर हम देखें तो इसका एपीथिलियम भी ट्रांजिशनल एपीथिलियम होता है कौन सा ट्रांजिशनल एपीथीलियम होता है ठीक है बच्चों देन वी हैव यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है यह हमने देख ही लिया है सिंगल से तो बहुत चीजें मुझे याद आती है ना यस yes, बिल्कुल तो अगर हम यहां देखें यूरिनरी ब्लैडर है ये एक अनपेयर्ड है अनपेयर्ड इसका एपिथीलियम भी कौन सा है ट्रांजिशनल एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम लिख लो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ठीक है एंड थर्ड थिंग

जो आउटर वाला होता है वो वॉलेंट्री है जो आपकी मर्जी से काम करता है ये वॉलेंट्री स्विंसर है और जो इन वाला है इनर से याद रखना इन इन माने इन वॉलेंट्री होता है मेल के केस में मेल के केस में यही यूरेथ्रा इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक ठीक है मेल के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक यूरिनोजेनाइटल डक्ट ठीक है वहीं पे इसकी लेंथ कहा होती क्या होती है लंबी होती है लॉन्ग लेंथ इन मेल लॉन्ग लेंथ जबकि फीमेल्स में फीमेल्स में अगर हम बात करें तो इट एक्ट ओनली यूरिनरी डक्ट पासिस ओनली यूरिन पासिस ओनली यूरिन डन बच्चों क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी अभी और चीजें भी बचे हमारी लेबलिंग्स एड्रीनल ग्लैंड

हॉर्मोन्स इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं इमरजेंसी हॉर्मोन्स में कौन कौन से होते हैं एंड नॉर एड्रेनलिन रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों चलिए लिखिए ये भी रीनल आर्टरी में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस यूरिया रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेस यूरिया यूरिया। डायग्राम देख रहे हो एवरी वन ऑल द इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू कैन सी टेल मी, लिखा सबने बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कुछ बच्चे इतनी सिंसियर पढ़ाई करते हैं आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी यू नो देर आर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे रेगुलर है आपस में आप शायद फ्रेंड्स बन गए होंगे चिन्मय योगी खुशी इशिका ईशा खुशी राजनंदनी तांत्रिक बाबा दे ऑल मतलब आप खुद देखते होंगे दी स्टूडेंट्स वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1500 एंड दे हैव बिकम कांस्टेंट विद टाइम आई रियली लाइक दिस बच्चों द वे यू हैव यू नो

आपके बच्चे सच में पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से जवाब देते भी है माना हम बहुत दूर है बट हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है ठीक है ये मैसेज जरूर अपने पेरेंट्स को देना आज ठीक है बच्चों आ जाओ आप देखते हैं कि हाँ क्या क्या लिखा है हमने क्या क्या मिस आउट किया है वो हम सब चीजों को कवर करेंगे किडनी के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है तो किडनी को भी कवर करते बेटा डिफरेंट कलर ले लेते हैं सबसे पहले किडनी का लोकेशन देखे तो किडनी का लोकेशन क्या है बेटा टी एंड एल इसके बीच में प्रेजेंट होता है है इन ठीक उसके अलावा एक चीज और ये साइड ऑफ़ द बॉडी प्रेजेंट होती है सोमना that, regular, है आई नो नो दैट बेटा यू यू आर रेगुलर रेगुलर सब बच्चे धनश्री हो गई you know, रजत हो गया मेघा आई नो ये नाम इतने मेरे को जाने बिछाने लग रहे बहुत अच्छा लगता है नाउ लेट्स रीड एनसीआर कैप्सूल जो किडनी की आउटर लेयर होती है वो एक टफ टफ का मतलब क्या? इट इज़ मेड अप ऑफ़ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किससे बनी है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इन साइड द किडनी किडनी के अंदर देर आर टू जोन आउटर कॉर्टेक्स, इनर वाला मेड्यूला ठीक है द इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासनिकल मास कितने हो सकते हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड्स कितने हो सकते हैं सात से सत्रह कितने हो सकते हैं सेवन से सेवनटीन के बीच में हो सकते हैं प्रोजेक्टिंग इन टू एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग अपर बेटा यस द कॉटिकॉटेज है वो घुस रहा है किसके बीच में मेडुलरी पिरामिड के बीच में, में आइए अब इस वाले डायग्राम को धोने का समय आ चुका है कल्याणी yes. yes, बेटा अब यहाँ पे यहां पे आते हैं आज एक बजे आप आइए आज, आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विल टेक अ सेशन रिगार्डिंग प्लांट फिजियोलॉजी आप आइए बच्चों एक बजे मैं चाहती हूँ आप सब आओ और अपने बारे में मुझे बताओ और आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज कि यू नो कैसे आपने चेंज किया अपने आप को आई वुड लव टू हियर दैट एक बजे आओ सब मैं कह रही हूँ

इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू याद रखना ये इससे बना है ठीक है वहीं पे हम दूसरा वाला बात करें इनर इनर वाला एडिपोस लेयर से बना होता है एडिपोस लेयर से क्यों बना है क्यों ये फैट से बना है एनी बडी हु कैन हेल्प मी With the explanation that why it is made up of fat because it is a shock absorber. This act as shock absorber. Shock absorber की तरह काम करता है. ठीक है. अब देखो जो ये line थी, इसको हम explain करते हैं. अब देखो cortex है, टेक्स वाला सारा डॉट डॉट पार्ट है देख रहे हो जो डॉट-डॉट से बना रही है यही सारा सारा पार्ट देखो इस तरीके से इमेजिनेट कर रहा है बिटवीन द रीनल पिरामिड्स देख रहे हो आप ग्रीन कलर से जो मैम डार्क बना रही है ये वाला जो पार्ट है जो अंदर की तरफ इमेजिनेट हो रहा है दिस पार्ट कॉलम्स ऑफ बर्टनी

जो नेफ्रॉन्स है वो यूनि सेलुलर होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा मल्टी सेलुलर। ये बहुत सारे सेल से निर्मित होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर यूनिट है और ऐसी यूनिट्स आपके पास कितनी है वन मिलियन यूनिट्स है पर किडनी तो यानी कि टोटल कितने हो गए आपके पास टू मिलियंस इन योर बॉडी टोटल कितने हो गए बेटा टू मिलियंस ठीक है विच आर द फंक्शनल यूनिट ये स्ट्रक्चरल नहीं है बच्चों यहाँ पे ध्यान से वाली बात है देखने वाली ये सिर्फ फंक्शनल यूनिट है स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं लिखी है ठीक है ईच नेफ्रॉन नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स हर के दो पार्ट्स हैं एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्रिब्यून तो हर नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं सबसे पहले नेफ्रॉन कितने होते हैं ईच किडनी वन मिलियन होते हैं इसके भी दो पार्ट्स होते हैं एक होता है ग्लोमेरुलस दूसरा होता है रीनल ट्रिब्यून ग्लोमेरुलस अब ग्लोमेरुलस क्या है फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बाय द एफरेंट अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे एवरीवन तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इरेज करना होगा यहाँ पे वी नीड टू मेक सम स्पेस फॉर द डायग्राम चलिए बेटा डायग्राम बनाएंगे यहां पे मान के साथ सब हाथ या डायग्राम बनाओ और, और लाइन को धो डालो तो ये है कैसा देखिए सबसे पहले माम ने क्या बनाया बॉमेंस कैप्सुल ने क्या बनाया कैप्सूल ठीक है ये बॉमेंस है अब देखो ये हार हमारी रीनल आर्टरी ये कौन सी आटरी हमारी रीनल आर्टरी ये ही रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच डिवाइड कर रही है ब्रांचेस हो गई इस ब्रांच को हमने बोला एफरेंट आर्टीरियल जो डिवाइड हो गई एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में इस ब्रांच को हमने बोला एफरेंट आर्टीरियल ठीक है ये एफरेंट आर्टीरियल हो गया ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस अब यहां से जो ब्रांच इकट्ठा करती है ब्लड जो ब्रांच ब्लड इकट्ठा करिए दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज ईफ्रेंट आर्टीरियल इसी ब्रांच को आप क्या बोलेंगे दिस विल किससे बना है एफरेंट okay, nice. आर्टीरियल से बना है एफरेंट आर्टीरियल कहां से आती है बेटा रीनल आर्टरी से आती है ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाईरियल और यही इंट आर्टीरियल जॉइंस रीनल वेन ज्वाइन रीनल वेन इसको भी लिख लो बच्चों लिखा आपने ये किसको ज्वाइन कर रहा है रीनल वेन को ज्वाइन कर रहा है ठीक है यस yes. अब आज नेक्स्ट द रीनल टिब्यूल ग्लोमेरुलस का पार्ट खत्म अब रीनल टिब्यूल पे शुरू कर रहे हैं रीनल टिब्यूल ठीक है तो द रीनल ट्रिब्यूल बिगेन्स विद द डबल वॉल्ट

तो यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेन्स कैप्सूल टुगेदर तो इज कॉल एस माल फीजियन और कॉर्पोस ठीक है बेटा नाउ द ट्रिब्यूल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉल्ड नेटवर्क कॉल्ड पीसीटी ट इज द एपीथिलियम ऑफ पीसीटी जल्दी से बता दो बेटा चैट बॉक्स में yes. जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में साक्षी पारू कौन सा एपीथिलियम की बात करें तो यहां पर एपिथिलियम होगा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉडल एपिथिलियम कौन सा है बिल्कुल सही पकड़े हम ब्रश बॉर्डर क्यूबॉय एपिथीलियम ये बात लिख लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रश बॉर्डर का मतलब है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है माइक्रोविलाई का मतलब है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होने वाला है री एब्जॉर्प्शन का काम होने वाला है अब आते हैं स्ट्रक्चर पे ये, भाई ये है भाई जबरदस्त स्ट्रक्चर यही है स्ट्रक्चर जो क्या है समझाएगा पूरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे आ गए अब हम एक एक करके सारी चीजें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे कवर कर रहे हैं क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं निकलेगा नॉट पॉसिबल बस शर्त इस बात की आप पूरा पढ़े भी अगर आप पूरा पढ़ नहीं रहे तो फिर तो बेटा लॉल हो जाएगा ना फिर तो लाइफ में चलो आ जाओ एफ्रेंट आर्टीरियल अब मैं जितनी भी चीजें लिखवा रही हूं दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दे विल हेल्प यू टू आंसर ऑल द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका डायमी क्या है सोखेमो डायमीटर इज लार्जर बड़ा है डायमीटर ठीक है इफरेंट तो आर्टीरियल so की बात करें तो यहां पर जो डायमीटर है दैट इज स्मॉलर डायमीटर इज स्मॉलर अब आप पूछेंगे क्यों काफी बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है मैम ऐसा क्यों है है ना डॉक्टर राहुल उपाध्याय पूछ सकते हैं कल्याणी पूछ सकती है साक्षी पूछ सकते हैं शुभांगी पूछ सकती है ठीक है सोमनाथ पूछ सकते हैं सब पूछ सकते हैं मैम ऐसा क्यों ठीक है तो इसकी एक स्टोरी मैं बताती हूँ हमेशा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी बच्चे जो पहले से सुन रहे हैं वो तो आंसर देखो फेक देंगे, बट जो बच्चे नए हैं आज उनको मैं बता दू इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी है, लो कि तुम यमुना यमुना से जा रहे थे तुम्हें पता बहुत ही खुला एक्सप्रेस वे है स्पीड में जा रहे थे खिड़कियां खोली हुई थी तुमने तुम कोप पी रहे थे और शायद पॉपकॉर्न भी खा रहे होंगे बढ़िया से गाड़ी चल भी रही थी बिल्कुल सही बात है अब हुआ क्या आगे चांदनी चौक आ गया अब जब चांदी चौक आया तो सड़कें क्या हो गई छोटी हो गई अब सबके सब, सब कहां पे बीच में करे क्योंकि धीरे धीरे ना निकलेंगे आगे। तो जब धीरे-धीरे निकल रहे थे तो हमें टाइम मिला उस टाइम में हमने क्या किया हमने सेल्फी खींची हमने वीडियो अपलोड की। ट्राफिक है ना बिलीव इन एरिया बेसिकली क्या टाइम मिला ना आपको यमुना एक्सप्रेस वे से चांदी चौक के बीच में आपको क्या मिला टाइम मिला तो यहाँ पे भी ये जो डिफरेंस है डायमीटर का द डिफरेंस इन डायमीटर हैज सिग्निफिकेंस इट प्रोवाइड्स टाइम इट प्रोवाइड्स टाइम अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे कौन सी से सेल्फी खींच रही है जो आप टाइम बता रहे हो यहाँ पे बेटा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है छानने के लिए टाइम तो दो यार तभी तो छनेगा सो इट प्रोवाइड्स टाइम फॉर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन के लिए टाइम प्रोवाइड करें दूसरी चीज अगर वही जाम थोड़ा लंबा लग जाए ठीक है फिर आप एक और स्टोरी लिखेंगे ओह माय गॉड मेरे को तो लग रहा है मैं पैदा ही ट्रैफिक जाम में सहने के लिए हुआ था इतना ट्रैफिक जाम है कि मैं अपना काम नहीं कर पाया यस yes! मेरी बंदी मेरा इंतजार करती रह गई अब वो किसी और के साथ चली गई तो दिस विल क्रिएट प्रेशर आल्सो तो जहां टाइम है वहां प्रेशर भी मिल रहा है ठीक है So, यहां पे इट आल्सो क्रिएट्स प्रेशर ग्रेडियंट इसी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी होगा सो दैट इज द टू मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लार्जर डायमीटर ऑफ आर्टेरियल एज कंपेयर टू ईफरेंट आर्टेरियल ठीक है तो पहली लेबलिंग तो हमने कर दी क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस जो है आपके क्या है फाइन ब्लड कैपिलरी आपने पक्का देखा होगा मैं मान नहीं सकती कि आपने ये बिल्कुल भी ऑब्जर्व ना किया हो मैं आपको बता रही हूँ बेटा जैसे ही ट्रैफिक जाम में कोई एम्बुलेंस आ गई ठीक है कोई भी एम्बुलेंस आ गई इतने गाड़ी वाले

मैंने बनारस में भी देखा मैंने दिल्ली में भी देखा ठीक है और मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में यही चलता है है ना यस yes. बेटा ज्योति गुप्ता आप अनब्लॉक दो बेटा हाँ पूरे इंडिया में यही चलता है अब इस लिट्स पे भी आएंगे डोंट वरी पहले ये लिखो एंडोथीलियम इज पेनिस्ट्रेटेड दिस अलाउ दिस अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये लिख लो बेटा

इसकी दो मेम्ब्रेन थी एक बाहरी और एक इनर जो आउटर वाली है आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेराइटल लेयर इसे हम बोलेंगे पेराइटल लेयर जो इनर लेयर है इनर लेयर उसे हम बोलेंगे विसरल लेयर कौन सी लेयर बोलेंगे विसरल लेयर और इसी विसरल लेयर में सेल्स आर मॉडिफाइड टू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दी सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स ठीक है, यहीं पे आपको मॉडिफाइड सेल्स मिलेंगे तो पे मिलेंगे बेटा? जल्दी से पूरा ट्रेस कीजिए सबसे पहले Bowman's Capsule. Bowman's Capsule के भी इनर लेयर पे मॉडिफाइड सेल मिलेंगे जिसे बोलेंगे पोडोसाइट्स तो ये पूरा इसका सिस्टम आगे लिख रहे बढ़िया से सब वेरी नाइस nice. अब आते हैं नेक्स्ट पीसीटी फर्स्ट इज इसका एपीथिलियम जो अभी हमने लिखा था ब्रश बॉर्डर लिख लो यहीं पे ऐसे पढ़ते मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ट्रू आस्किंग यू बेटा क्या मैं यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लिखू अब देखो यहाँ पे लेजेंड्स में बताती हूँ लेजेंड्स इतने हैं क्लास में राजनंदनी मैंने बीबी क्यूबॉडल एपिथेलियम लिखा तो राजनंदिनी ने चैट बॉक्स में बी बी सी लिख दिया लेजेंड्स वेलकम टू द क्लास तो बेटा यहां पे मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे सेवेंटी टू एटी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है ट्रू ऑफ ऑल जल्दी जल्दी बताओ बिल्कुल सही बात है सेवेंटी टू एटी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्बेशन होता है ठीक है फोर्थ क्या सारा ग्लूकोज यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है यस एब्सोल्युटली ठीक है बिल्कुल सो ग्लूकोज अमीनो एसिड मैक्सिमम रीअब्जॉर्बेशन फुली रीअब्जॉर्ब ठीक है अब आते हैं डीसीटी पे लेट्स कम टू डीसीटी इफ वी टॉक अबाउट द डीसीटी डीसीटी का क्या सिस्टम है बेटा कि जो डीसीटी है डिस्टल सिल्यूट ट्रिब्यूल यहाँ पे जो री होता है क्या वो कंडीशनल होता है या नहीं होता जल्दी बताइए बॉक्स में क्या वो कंडीशनल होता है या नहीं होता है, होता है, होता है? यही तो मेन क्वेश्चन है इन की लाइन है यस yes, यहां पे होता है कंडीशनल और पैकल्टेटिव और पैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन एब्सॉप्शन रीएब्जॉर्प्शन रियब्सॉप ठीक है, है और इस पे कौन कौन से हॉर्मोन काम करते हॉर्मो काम करते हैं एक हॉर्मोन का नाम है एडीएच तो दूसरे हॉर्मोन का नाम है एल्डोस्टर तो दूसरे हॉर्मोन का क्या नाम है बेटा एल्डो ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपका बेटा कौन सा कलेक्टिंग डक्ट अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी कौन सा रिएब्सॉपन है बिल्कुल लिखेंगे कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन और कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन कौन से हार्मोन के इफेक्ट में होते क्वेश्चन आपका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये वाला यहाँ पे कौन सा हार्मोन के इफेक्ट करता है यहाँ पे ओनली एडीएच सिर्फ एडीएच काम करेगा यहाँ पे लिख लेना इसको 2016 का फेज टू का क्वेश्चन है वो पेपर ऐसा पेपर था भाई तोते तो उड़ा दिए थे उस पेपर ने सबके आई एम टेलिंग यू चलो पानी पियो जल्दी से हाइड्रेशन 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 कम ऑन हाइड्रेशन एवरीवन अब आते हैं नेक्स्ट वास्टा अब वास्टा के बारे में मैं तुमसे बड़ा प्यारा सवाल पूछती हूँ आज ठीक है मैं देखती हूँ तुमने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी है पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क यस yes. चलिए जल्दी बताइए गिरिजा जल्दी बताओ बेटा इस वासरेक्टा, इस अ पार्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क ट्रू ऑफ अभी मुझे पता लग जाएगा कितने अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अभी पता लग रहा है यस yes. देखो चैट बॉक्स में भयंकर कंफ्यूजन भयंकर आई क्या कर रहे हो ये पेपर देना है नहीं देना है या नहीं कल कल मैं बताती कल स्पेशल क्लास में क्या खुद ने बनाए थे वो सब हिल गए मतलब कि इतना गंदा रिस्पांस तुम लोगों ने दिया मेरे को इतना गुस्सा आया किन्ट तो बनाते ही नहीं हो तुम तो रट्टे की दुकान बन के बैठे हो इतना गुस्सा आया मुझे ट्रस्ट मी बहुत गुस्सा आया मुझे तो मैं आपसे यही कह दू बेटा आप रटा मत करो ट्राई टू मेक कॉन्सेप्ट यस इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये बस उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है आंसर ट्रू होगा जिन्होंने फॉल्स दिया ना आपने नाम के आगे एक बढ़िया सा स्माइली बना दो वासर रेक्टा इज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड लूप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और मैं सच बताऊ ना तो आधे बच्चों को अभी यही नहीं पता पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या है मैं ये सच बता रही हूं आधे बच्चों को ये भी नहीं पता ये क्या है बस हवा में आंसर फेंके हैं हवा में आंसर यस इज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड लूप ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपलरी नेटवर्क फाउंड ओनली इन फाउंड ओनली इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में मिलता है ये आपका सही आंसर यस yes, बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसको डिफरेंट कलर से लिखेंगे लेट्स राइट इट विद अ डिफरेंट कलर कौन सा कलर बचा है अभी यूज करना ये वाला हेनले लूप चलिए आइए हेनले लूप की बात करें सो द हेनले लूप इज फाउंड ओनली इन मेटानेफ्रिक किडनी सिर्फ नेफ्रिक किडनी में आपको मिलता है लूप ऑफ हेनले पहला पॉइंट तो ये क्यों मिलता है ये भी आप पूछ सकते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं क्यों मिलता है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ये इसलिए मिलता है बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेट यूरिन बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेट यूरिन ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है

तो आप देखोगे हमारी रीडिंग इतनी स्मूथ हो जाएगी क्योंकि हम सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस करके लिख चुके हैं डिसेंडिंग ऑफ ऑफ डिफरेंट कलर कलर खत्म हो जाएंगे मुझे लग रहा है आज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें दिस इज परमेबल टू वॉटर एंड परमेबल टू सॉल्ट ठीक है तो ये क्या है पॉमिएबल टू वॉटर एंड इम्पोर्मिएबल टू सॉल्ट इमपॉर्मिएबल टू सॉल्ट ठीक है भाई अब बात उठती है कि पॉर्मिएबल टू वॉटर क्यों है ऐसा इनके पास क्या है कि पॉमिएबल टू वॉटर है ये बताओ जरा ऐसा क्या है इनके पास कि पॉर्मिएबल टू वॉटर है वो है हैार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वॉटर चैनल एक्वापोर से बने हैं एक्वापोरिन विच अलाउस द वॉटर एक्सचेंज ठीक है वहीं पे अगर असेंडिंग लिंब ऑफ लूपन की बात करें इसकी बात करें दिस इज इमेबल टू वॉटर इम टू पर्मिएबल टू सॉल्ट एंड पर्मिएबल टू सॉल्ट अब आप कहेंगे वाई इट है क्या है इनके पास दे कैरियर चैनल्स इनके पास बहुत सारे कैरियर चैनल्स होते हैं विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आय देखो बेटा पूरा मैम सी डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्सोल्यूटली बिल्कुल सही है कलेक्टिंग बाय मेनी कलेक्टिंग टिब्यूल्स coming from nephron। भाई जगह खत्म हो गई तो yes. है तो बिल्कुल परेशान हो गई है नो प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ यार मैंने जब इतना लिख दिया तो तुम कितना छोटा छोटा लिखते हो फोटो भेजा करो इंस्टा पे को सब अपनी फोटोज भेजना

मूत्र का पैसेज लिखना पड़ेगा यस yes, बिल्कुल द पैसेज ऑफ यूरिन द रूट ऑफ यूरिन ठीक है एक लाइन को समझने के लिए जद्दोजहद करते हुए जी स्क्वायर आर्मी चलिए सबसे पहले कहां पे बना यूरिन एवरीवन कहां पे बना यूरिन नेफ्रॉन पे ठीक है नेफ्रॉन नेफ्रॉन के बाद इट विल गो इनटू माइनर कैलेक्स फिर इट विल गो इन टू मेजर कैलेक्स फिर मेजर कैलेक्स के बाद यूरिन विल गो इन टू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद यूरेटा यूरेटा के बाद यूरेनरी ब्लाडर भाई कुछ स्किप हुआ तो बता देना को, यूरेथ्रा, urethra, यूरेथ्रल

जाओ हाँ एक ब्लैंक स्लाइड जरूरी है क्योंकि अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं ठीक है यस yes. आ जाओ यहां पे हम लिखेंगे और दूसरी हेडिंग है हमारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर विद यू पीपल बच्चो

हर दिन एन के सारे मॉक टेस्ट पेपर भी कवर कर देंगे तो इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो दिस इज माय रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल अब एक बजे के सेशन बिल्कुल मत छोड़ना इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना है बच्चों

हम YouTube पे भी करा देंगे क्या टेंशन? बट एक्चुअली ना YouTube पे वी डोंट हैव अ यू नो लीडर बोर्ड वाला साइट ये आपको पता है तो इसलिए बेटा अब आजकल हमें प्लस पे करने पड़ते हैं क्विज़स जहां पे बच्चों को रैंक मिलते हैं उनकी स्पीड बनती है एक्यूरेसी बनती है तो आ जाओ इसके परसेंटेज लिखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर 80 टू 85% जबकि जक्स्टा मेडुलरी कितने 15 टू 20% ठीक है कॉर्टिकल वाले यानी कॉर्टेक्स सो द लूप ऑफ लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट ठीक है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट जबकि यहां पर हम बात करें सो ले ऑफ लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग ठीक है यस yes. नेक्स्ट अगर बात करें लेटेस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले शॉर्ट लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग वासर एक्टा इज एबसेंट वासर एक्टा यहाँ पे एबसेंट वासर एक्टा प्रेजेंट अभी मैंने बताया था आपको वासर एक्टा प्रेजेंट नेक्स्ट पेरी ट्यूमरल कैपिलरीज दोनों में है या दोनों में नहीं है यस yes, जल्दी बताइए पेरी ब्लड कैपिलरी टूबुलर ब्लड कैपलरी प्रेजेंट दोनों के पास प्रेजेंट है यूरिन अलॉट क्या ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे यूरिन को बहुत ज्यादा येस और नो येस येस और नो बच्चो जल्दी बताइए तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊँ सो दे डू नॉट हेल्प इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन सो मच ठीक है ये यस तो ये हो डिफरेंस अब चलिए हम चार्टी पढ़ते हैं फटाफट फड़ से रा रा, हुँ 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 एक सोहेल पूछा मुझसे मैम बायो में इंटरेस्ट कैसे बनाए वैसे इंटरेस्ट बनाइए जैसे आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है यस yes. जाके बेटा अपने ना जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे ना अपने एनाटमी वाले टीचर को बोलना बोर पढ़ा रहे हैं बेटा इतनी लात खा के आओगे ना इतनी बातें सुन क्या हो गए तब तुम्हें लगेगा कि यार YouTube वाले टीचर सच में हमें बहुत इज्जत देते थे हम चाहे कुछ भी लिख दें चैट बॉक्स में वो टीचर्स हमें सच में बहुत इज्जत देते थे <laughs> सही में मैं तुम्हें जेनरली बता रही हूँ तुम एक बार जाओ तो मैं आपको बताती हूँ अपना एक इंसिडेंट्स बताती हूँ बेटा आपको पता है बायो में फाइल्स बनती हैं, है ठीक है प्रैक्टिकल फाइल्स तो मैं लेके गई वो डायग्राम ना एक अच्छा नहीं था पैरामीशियम का पैरामीशियम बनाना था ठीक ठाक था मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत बुरा था बट टीचर को नहीं अच्छा लगा ठीक है मैम ने सामने फाड़ दिया पूरी क्लास सभा बैठी थी बिल्कुल ऐसे जैसे मैम ने फाड़ा वैसे दिल भी फट गया अपन का ठीक है तो अपन चले गए चुपचाप से बोल तो सकते नहीं बेटा औकात नहीं है ना इतनी बोलने की प्रोफेसर है भाई यूनिवर्सिटी का ठीक है औकात बिल्कुल नहीं थी तो फिर क्या हुआ हम वापस बनाए इस बार पेंसिल शार्प करके बनाया पेंसिल शार्प करके हर चीज बनानी है वरना बहुत पिटोगे तुम लोग पेंसिल शार्प की हमने चलो फिर बना दिए फिर गए फिर फाट दिया फिर 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 से अपना दिल टूटा हुआ लेकर गए तीसरी बार बनाए ठीक है इस बार क्या किया हम ट्रेस कर दिए पूरा ट्रेस हम कहे अब देखते हैं अब कैसे फटेगा भाई डायग्राम ठीक है क्योंकि अब तो ट्रेस ही कर दी पूरा ऐसे दबा दबा के ट्रेस पूरा जबरदस्त तरीके से ट्रेसिंग कर दी ठीक है फिर गए फिर फाड़ दिया मैंने कहा मैम ये कैसे पॉसिबल है मतलब फिर फाइनली थोड़ी सी जबान निकली मैम ठीक है बस ऐसे मैम ठीक है मैम समझ गए कि भाई आप गर्मा के पेशेंस की लिमिट हो गई आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ठीक है student, तो मैम ने कहा दो तक तो ठीक था पर तीसरे में तुमने ट्रेस कर दिया यार गर्मा ये तो मतलब मैंने कहा मैम आपको इतना एग्जैक्ट चाहिए था मैंने ट्रेस ही कर दिया कहते अब ये नहीं हो पाएगा ना कट गए नंबर फाइव के तो बेटा इतनी भी औकात नहीं होती कि आप मैम से है कुछ ज्यादा बोल सको तो आप ना रियलाइज करोगे कि यूट्यूब के टीचर फिर भी बहुत इज्जत देते थे वहां जाके तुम्हें पता लगेगा बेटा जब तुम रूबर होंगे ना टीचर से जब टीचर तुम्हारे कहते हैं ना तोते उड़ा देगा एक बार में ऐसा होता है उसके बाद बी एच यू बी एच यू के टीचर और ज्यादा सीरियस है दिया वे, दिया वेरी टीचिंग, और ज्यादा बढ़िया तरीके से वहां पे तो मतलब अगर प्रोफेसर वहां बैठे तो हम यहाँ खड़े होंगे कुछ नहीं पता कब लापा पड़ जाए ठीक है यस yes. इतना डिस्टेंस मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग हम वहीं से सीख के आ गए थे बनारस से क्योंकि हमको पता कभी भी लापा पड़ सकता है किसी भी गलती के लिए यस दिस आर द स्टोरीज व्हिच यू विल आल्सो शेयर विद मी वन डे चलो आज इधर देखते बेटा इन रीजन ऑफ द लूप ऑफ इज टू शॉर्ट

पूरे रीनल यानी पीसीटी डीसीटी के ऊपर एक जाल बनाती बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है? यस। वेसल। दिस नेटवर्क लूप। इसी का एक छोटा पार्ट है जो रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले के साथ जैसे हम वासा रेक्टा कहते हैं और ये वासा रेक्टा कॉर्टिकल होता है आया कि नहीं आया आपको समझ में यस yes. चलिए बताइए बेटा आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एंड आई होप आप दोनों को बिल्कुल बताओ दोनों यूनिवर्सिटी के नाम है ना? अब आते बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक है यह हम कल करें बच्चों से कल काफी ज्यादा पढ़ना रह जाएगा हमारा चलो यूरिन फॉर्मेशन विल बी डूइंग इट टुमारो आज हमने पूरा चैप्टर का इंट्रो कर लिया वन ओ वी आर मीटिंग ऑन स्पेशल क्लास और मैं अभी लिंक्स आपके फटाफट से जनरेट कर देती हूं एंड टुडे नाइन ओ क्लॉक वन मोर वीडियो कमिंग अप फॉर यू यस बेटा कल क्लास नहीं हो पाएगी देर वोट बी अ लाइव लेक्चर ठीक है थैंक यू बेटा आप जो मेले शब्द कह रहे हैं थैंक यू सो मच बेटा आपने मेरे को इतना आप आए हो मेरे बाद में कुछ भी आप लिख रहे हो गलत सही प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक शेयर कर देना अपना नहीं तो किसी और का भला कर देना ठीक है चलिए तो मैं आपको बता दूं बेटा कल की क्लास नहीं हो पाएगी कल राम नवमी है एंड पूजा है घर में तो कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे सुबह की अगर पॉसिबल हुआ तो कल शाम में क्लास मैं जरूर ले लूंगी आपकी कल के लिए मुझे, मुझे माफ करना बच्चों कल पूजा है घर में तो आई हैव टू टेक अ लीव सुबह का बट कल हमारी स्पेशल क्लास होगी कल हमारी प्लस की क्लास भी होगी बस YouTube नहीं हो पाएगा क्योंकि कल सुबह पूजा है घर में और YouTube देखते हैं अगर हम शाम में ले सके तो शाम में लेंगे प्लस आज एक वीडियो वीडियो आएगी द इज बेस्ड ऑन लिकोरिया ठीक है इट इज अ वेरी यू नो कॉमन प्रॉब्लम इन गर्ल्स सफेद पानी वाला जो प्रॉब्लम रहता है आई बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट द विल बी आउट एट क्लॉक आई होप इट विल हेल्प यू यू नो डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड यू माइट गेट द राइट इंफॉर्मेशन जो आप नहीं डिस्कस कर पाते कई बार अपने पेरेंट्स से भी तो मेक श्योर sure, बच्चो यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज इन द नीट हेल्थ सीरीज विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट सीरीज फॉर यू काफी हम सुनते हैं उस सीरीज को लेके बट कोई नहीं नो बडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम स्प्रेडिंग द जनरल अवेयरनेस टीचर इज नॉट ओनली अ टीचर डॉक्टर इज नॉट ओनली अ डॉक्टर एट फर्स्ट यू आर अमूमन ह्यूमन नाते आपको कई बार वो भी करना पड़ता है जो सोसाइटी के लिए जरूरी है ठीक है बच्चों yes. so, yes, इस बार uh, टेस्ट की डिटेल्स नाइन एम सैटरडे आपका टेस्ट रहता है टू एंड रोल फॉर फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैम की टेस्ट सीरीज है ठीक है बच्चों और आज हम चलते हैं बहुत मजा आया बेटा आज आपको पढ़ाने में कल की क्लास का मैं मैं प्लान करती हाउ इट विल बी डन ठीक है यस कल कोशिश शाम में ले लूं। जैसे मुझे टाइम थैंक यू मेरे बच्चों थैंक यू सो मच बच्चे कह रहे ब्लॉग डाल दो कुछ नहीं पता ना लाइफ में मेरी <laughs> Mm-hmm. <laughs> hmm